सर्जिकल ब्लेड की नोक पर कैब चालक की जेब से पैसे और अन्य सामान की लूट करने के साथ कार लेकर फरार हुए नंदू गैंग के बदमाश को जीपीएस लोकेशन की मदद से 20 किलोमीटर का पीछा करने के बाद वारदात के एक घंटे के अंदर अंदर द्वारका पुलिस ने दबोच लिया। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया, कार लूट की पहली कॉल की बीती रात लगभग 12 बजे सेक्टर 23 रेड लाइट से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल आई कि तीन लड़के एक हुंडई कार लूटकर फरार हो गए हैं। कार लूट की कॉल मिलते ही द्वारका पुलिस हरकत में आ जाती है। द्वारका जिले के थानों के साथ साथ आसपास के थाने, पेट्रोलिंग वैन और पुलिस स्टाफ आपस इन्फॉर्मेशन काम करना शुरू कर देते हैं। एंट्री और एग्जिट रास्तों पर पिकेट लगाया गया। अपराधियों को दबोचने के लिए पेट्रोलिंग वैन लगातार गश्त कर रही थी। वारदात के 15 मिनट के अंदर ही द्वारका पुलिस के हाथ सफलता लग गई। गश्त के दौरान क्रिस्टल 59 पीसीआर पेट्रोलिंग वैन स्टाफ को महावीर एनक्लेव पार्ट 2 गली नंबर 7 में एक सस्पेक्ट कार खड़ी दिखाई दी। क्रिस्टल 59 पीसीआर वैन जब उस सस्पेक्ट कार के पास पहुंची तो कार में सवार लड़के कार को छोड़कर भाग गए। कार में चाबी नहीं थी। डीसीपी द्वारका शंकर चौधरी ने बताया कि इस वारदात के एक घंटे बाद देर रात लगभग 2:45 फिर से कार लूट की एक और कॉल आती है। 25 वर्षीय नोएडा निवासी संजय नाथ ने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके बताया कि वो कैब चालक है और सर्जिकल ब्लेड की नोक पर एक अज्ञात व्यक्ति उसकी उबर टैक्सी नंबर HR55A8464 सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर को लूटकर फरार हो गया है। इलाके में पहले से गश्त कर रहे द्वारका दक्षिण के थाना प्रभारी को इस घटना की जानकारी दी गई। साथ ही एसआई अनुज यादव को इस मामले का आईओ बनाकर मौका वारदात पर भेजा गया। अपराधियों के दबोचने के लिए तुरंत ही एसीपी द्वारका की सुपरविजन व थाना प्रभारी द्वारका दक्षिण के राकेश डाडवाल की नेतृत्व में इंस्पेक्टर सतबीर, एसआई अनुज यादव, हेड कांस्टेबल महिपाल, हेड कांस्टेबल राजेश, कांस्टेबल भवानी शंकर और कांस्टेबल गोपाल एक एक टीम बनाई गई। टीम को शिकायतकर्ता से पता चला कि लूटी गई उसकी कार में जीपीएस डिवाइस लगा हुआ है। टीम ने तुरंत जीपीएस लोकेशन के अनुसार लूटे गए वाहन का पीछा किया। करीब 20 किलोमीटर तक पीछा करने पर लूटी गई गाड़ी नरेना सीएनजी पंप, मेन रिंग रोड, दिल्ली कैंट के पास खड़ी मिली। आरोपित कार के अंदर बैठा था। पुलिस टीम को देखकर बदमाश कार छोड़कर पैदल ही भागने लगा। लगभग 1 किलोमीटर तक पुलिस ने पीछा करके आरोपी को दबोच लिया। बदमाश की पहचान निवासी मकान नंबर CN239 JJ कॉलोनी गोयला डेरी दिल्ली 23 वर्षीय सनी उर्फ शूटर के रूप में हुई। पूछताछ में पता चला कि यह कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का एक्टिव बदमाश है। आरोपी के कब्जे से लूटी गई गाड़ी मारुति स्विफ्ट, वारदात में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड, आरोपी का एक मोबाइल फोन और पहली वारदात सेक्टर 23 द्वारका में लूटी कार की चाबी के साथ पीड़ित का पर्स बरामद हुआ। इसकी गिरफ्तारी से थाना द्वारका दक्षिण में दर्ज FIR संख्या 510/21 अंडर सेक्शन 392, 397/411 और थाना द्वारका सेक्टर 23 में दर्ज FIR संख्या 428/21 अंडर सेक्शन 392, 397/34 सुलझ गए हैं। द्वारका पुलिस वारदात में शामिल फरार अन्य दो बदमाशों को दबोचने के लिए छापेमारी कर रही है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।